विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष भी दुनिया भर में इस दिन गोष्ठियाँ होंगी, चर्चाएँ होंगी, सभाएँ होंगी, पेड़ लगाए जाएंगे और पौधे बचाओ, जल बचाओ, देश और दुनिया बचाओ जैसे नारे दिए जाएंगे। आज भी इस विषय पर एक कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में था। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग का एक प्रसिद्ध कॉलेज है जिसका नाम है ITS इंजीनियरिंग कॉलेज। ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसरों, वहाँ के प्रबंधन और वहाँ के छात्रों ने पर्यावरण दिवस के सिलसिले में एक गोष्ठी की, पर्यावरण वॉरियर्स को सम्मानित किया। आज के मंथन में हम आपको सीधे उस कार्यक्रम से जोड़ते हैं और ले चलते हैं सीधे उस कार्यक्रम स्थल पर जो ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में हुआ। आप देखिए इस कार्यक्रम को। हवा की जहां तक बात कर रहे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी के मोबाइल पर आता है, आप AQI देखना, AQI वो 50 से नीचे होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर केवल NCR के हाल ही नहीं, पहले तो लोग सोचते थे कि NCR की हवा खराब है। अरे नहीं भाई, अब तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बुरा हाल है कि सर्वे ये बता रहे कि दुनिया के अंदर अगर 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है तो उनमें से 7 शहर हिंदुस्तान के है। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉल्यूटेड कोई राजधानी है तो वो हमारी राजधानी नई दिल्ली है। और इन 10 शहरों में से भी अगर मैं बात करूं टॉप 10 पे, ये आपका ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। जहां तक इसके समाधान की बात है भाई, समाधान अकेला डॉक्टर कुलदीप मलिक और कुलदीप मलिक के बच्चे तो निकाल नहीं सकते। इसका समाधान हम सभी को मिलकर निकालना पड़ेगा। सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा कि इस देश में अगर पर्यावरण सही नहीं रहेगा तो फिर इंसान भी सही नहीं हो सकते। यहाँ पे लोगों का भी स्वास्थ्य खराब है। सर मैं जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं भ्रमण करता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन जनरली सबसे रहता है कि मेरे सामने जितने भी ऑडियंस है कितने लोग है जरा हाथ ऊपर करके बताओ कि हम में से किसका स्वास्थ्य सही है। यहाँ पे भी जितने लोग बैठे मेरे ख्याल से कुछ ही लोग होंगे जिनका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पर्यावरण है, हवा है, पानी है, जो जहर हम खा रहे खाद्यान्न के रूप में वो है। तो हम इस चुनौती को स्वीकार करें। एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, 1000 डॉक्टर कुलदीप मलिक कम से कम ग्रेटर नोएडा में पैदा हो और पौधारोपण करें, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें। इस आशा के साथ कि आज की जो परिचर्चा है ये बहुत ही सार्थक रहेगी और इसी परिचर्चा के दौरान जो पर्यावरण में काम करने वाले, अपना सहयोग देने वाले लोग यहाँ पे है उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और यहाँ पे आज कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा कि जब वो सम्मानित होंगे भाई उनको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि ITS के अंदर किन पर्यावरण योद्धाओं का सम्मान किया गया। तो कृपा करके आप धैर्य से पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। एक बार मैं पुनः आदरणीय बड़े भाई रघुवंशी जी का और ACP प्रथम आदरणीय महेंद्र देव जी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपको मैं नमन करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। थैंक यू एवरीवन। ITS कॉलेज में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि रघुवंशी जी, हमारे डॉक्टर मलिक जी, हमारे यहाँ के टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स, में आज बहुत गर्व का विषय है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मलिक जी ने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई। बेसिकली इन्वायरमेंट दिवस 5 जून को है, लेकिन मुझे बताया गया कि 4 जून को और 5 जून को छुट्टी रहेगी, इसीलिए आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मलिक जी से मेरी पहली मुलाकात इसीलिए हुई थी, और मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पर कई सारे पौधों का रोपण किया है और शाम के टाइम जब वो निकलते हैं तो उन पौधों से बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पौधे उनसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अटैचमेंट होता है। मलिक जी ने मुझे बताया कि सही बात है कि हम कभी भी किसी भी पौधे को अगर लगाते हैं तो जैसे जैसे वो खिलता रहता है हमारे अंदर की जो चेतनाएँ हैं वो जागती रहती हैं, प्रफुल्लित होती हैं। तो मैं भी आप सभी से निवेदन करूँ कम से कम एक पौधा अपने अपने घरों में आप लोग जरूर लगाएं।
अब बात यहाँ से है कि अधिकतर हम लोग बाहर तो सब लोग पौधा लगाते हैं, लेकिन आजकल जितने मल्टीप्लेक्स अपार्टमेंट्स और रूम्स बन रहे हैं वहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें कि हम लोग स्प्रेड एसी लगाते हैं और स्प्रेड एसी से ही हम लोग वहाँ पे रह पा रहे हैं। तो आउटडोर के साथ साथ मेरा निवेदन है कि हम लोग इनडोर प्लांट्स भी लगाएं, जैसे कि इस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक भी इनडोर प्लांट नहीं है। मैं मल्लिक जी आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ पर एक इनडोर प्लांट भी लगाएं, और सभी लोग जैसे आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो अपने अपने रूम्स में जहाँ आप लोग रहते हैं या जहाँ पढ़ते हैं एक एक इनडोर प्लांट लगाएं, वो हमें ऑक्सीजन देगा और इससे हमारा एक एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। बेसिकली जो हमारी थीम रहती है पुलिस की, वो सिर्फ क्राइम फ्रंट पे काम करती है और इन्वॉल्वमेंट के संबंध में जितना हम लोगों को नॉलेज है उतना अभी मल्लिक जी ने काफ़ी बताया इसके बारे में, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन हमें सिर्फ प्लांट से ही मिलती है। जैसा कि NCR है, NCR में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स मॉल्स ये सब हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की बहुत ही बड़ा गार्डन हो या आप लोग उसमें वॉक कर सकें। हैं छोटे छोटे गार्डन स्थित किए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी अथॉरिटी भी उस चीज़ में अपना पूरा प्रयास कर रही है कि जगह जगह पर रोड के डिवाइडर्स के बीच में हर जगह प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर दिल्ली NCR पोल्यूशन के मामले में काफ़ी हाई है और उसके पोल्यूशन को ब्रेक करने के लिए भी हम सभी को पौधे जो लगाए गए हैं उसमें पानी भी पड़ रहा है, और हम लोग जब यहाँ से एक्सप्रेसवे पे कहीं भी निकलते हैं तो देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे सब जगह पौधे हैं। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कम से कम अथॉरिटी इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मैं भी प्लांट्स अपने अपने ऑफिस में और अपने घर में लगाऊंगा, और आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में और ऑफिस में प्लांट्स लगाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। श्रीमान आलका रघुवंशी जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री रघुवंशी जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा अनुभव है। अमर उजाला, दैनिक विश्वमाला व दैनिक हिंद आदि समाचार पत्रों में संवाददाता के तौर पर सफलतापूर्वक देश और समाज के सेवा करने में वे सबसे सजग तत्पर हैं। 25 वर्षों से चेतना मंच के नाम से अपने समाचार पत्र का संचालन एवं संपादन भी कर रहे हैं, साथ ही चेतना मंच वेब पोर्टल व चेतना मंच इंटरनेट से भी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। मैं मिस्टर रघुवंशी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हम सबके विचारों को साझा करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप सब बच्चों को, आप सब छात्र और छात्राओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, चूंकि आप ही इस देश का भविष्य हैं। आज पर्यावरण दिवस की पूर्व बेला पर हम लोग पर्यावरण पर चिंतन मनन और मंथन कर रहे हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, अचानक इस कमरे में कुछ ऐसा हो कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, कितनी देर सरवाइव कर पाएंगे हम? 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, ज्यादा 2 मिनट, सब समाप्त। अभी देखा हमने, 3 साल हो गए, पूरी दुनिया ने देखा महामारी को, पूरी दुनिया ने देखा उस दर्द को जब हम कुछ नहीं कर सकते थे, केवल प्रकृति अपना काम कर रही थी, हमारे सामने हमारे प्रियजन जा रहे थे, केवल हम उनकी लाशें ढो रहे थे। ऑक्सीजन के लिए माताएं बहनें बच्चे तड़प रहे थे कि मेरे बाप को, मेरे मामा को, मेरे चाचा को ऑक्सीजन का एक सिलेंडर दे दो। ये है कड़वा सच। और ये हुआ क्यों है? हमारे तमाम पूर्वज, हमारे तमाम ऋषि मुनि चिल्ला चिल्ला करके हमें बताते रहे कि भैया प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करो, प्रकृति के हिसाब से चलो और प्रकृति को प्रेम करो।
लेकिन हमने क्या किया, हम प्रकृति से सीधे भिड़ गए। प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर पेड़, कितने सुंदर सुंदर पौधे, कितने सुंदर सुंदर फूल हमें दिए, हम उनको नष्ट करते चले गए। फिर कम से कम ग्रेटर नोएडा में तो प्रकृति ने एक अवतार पुरुष को भेजा जिसका नाम है कुलदीप मलिक, और उसने बताने का काम किया कि नहीं, अब पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कितना दर्द बयां करते हैं कुलदीप जी जब बताते हैं कि हमने पौधे लगाए, हमारे बच्चों ने रात दिन मेहनत करके पौधे लगाए, और कोई है जो रात को तोड़ जाता है, पौधे तोड़ जाता है, अपने बच्चों को मार सकता है कोई? ये घोर अपराधी हैं जो पेड़ और पौधों को तोड़ते हैं, ये अपने बच्चों को मारने का काम करते हैं, इनको माफ नहीं किया जा सकता। आप लोग इस बात को भाषण की तरह मत लीजिए, मैं कोई भाषण करने खड़ा भी नहीं हुआ हूं। कुलदीप भाई ने बताया कि सारे बच्चे बड़े जुनून के साथ उनके साथ लगे रहते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं। मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, जो भी जहां भी किसी भी लेवल पे आपको पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता हुआ कोई मिले, उसकी कंप्लेंट कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। प्रशासनिक मशीनरी को, सरकारी मशीनरी को कोई नहीं सुन रहा है, तो कम से कम आपके आसपास तो मैं एश्योर कर सकता हूं कि इस जिले का सबसे बड़ा समाचार पत्र है चेतना मंच, उसकी टीम को कंप्लेंट कीजिए, हम उस खिलवाड़ को होने नहीं देंगे। पर्यावरण को हमारी पीढ़ियों ने सदियों से हमें बताया है कि किस कदर हमें पौधे लगाने चाहिए, और आप सब लोग जानते हैं पौधों के अलावा ऑक्सीजन का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, वहीं से हमारा जीवन आ रहा है। ये प्राण जो चल रहा है शरीर के अंदर, ये केवल उसी की बदौलत चल रहा है, हमें समझ ही नहीं आता। तो मेरा निवेदन आप सबसे कि आज से, यदि अब तक नहीं करते थे, तो कम से कम आज से कसम खाइए कि पर्यावरण से बेइंतहा प्यार करेंगे, पौधों से ठीक उसी तरह प्यार करेंगे जैसे कुलदीप भाई करते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ऐसा मत कर देना, एक माता जी थी, वो अपने पौधों को बहुत प्यार करती थी, उन्होंने अपने घर के बाहर एक सुंदर सी क्यारी बनाई थी, बहुत अच्छा बगीचा तैयार किया था। अचानक वो बीमार हो गई, वो रोने लगी। उनका एक जवान बेटा था, इंजीनियर था, ITS में पढ़ता था। उसने कहा, माँ रो नहीं, आप ठीक हो जाओगी। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मुझे दिक्कत यह है कि मेरे पौधों का क्या होगा। उसने कहा, नहीं नहीं मैं देखभाल करूँगा, मैं आपके पौधों को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ का इलाज शुरू हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, और उसने कहा कि मैं देखभाल कर रहा हूँ पौधों की। रोज़ वो पूछती थी, हाँ मैं देखभाल कर रहा हूँ। 15 दिन बाद हॉस्पिटल से ठीक होकर के माँ जब घर आई, तो उसने देखा सारे पौधे सूख गए थे, फूल मुरझा गए थे, पौधे छटपटा रहे थे। माँ फिर रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा क्या कर दिया मेरे पौधों के साथ तुमने? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं तो रोज इनके पत्ते साफ करता था, झाड़ता था, पत्तों को पानी भी डालता था, पत्तों को ठीक से साफ सफाई करता था। उसने कहा, अरे गधे, इनकी जड़ में पानी देना था, पत्तों को पानी नहीं देना था, हम पत्तों को पानी दे रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं समाज में, इस पे किसी दिन फिर चर्चा करेंगे, पत्तों को पानी देने का काम कर रहे हैं, हमने जड़ को समझा ही नहीं। ये जो महामारी आई थी अभी, ये उसी का नतीजा है कि हमने पत्तों को पानी दिया है, पत्तों को सींचा है, हमने उस जड़ को पकड़ा नहीं कि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है, हमने अपने पर्यावरण को साफ रखना है, हमने अपने पर्यावरण को प्यार करना है, नहीं समझा। तो आप सबसे गुजारिश कि पर्यावरण से प्यार करना सीखिए, हमें प्रदूषण से लड़ना है, प्रदूषण को भगाना है, ये प्रयास कीजिए। आप जहाँ भी हैं, अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से आग्रह कीजिए कि आपके घर में आपका, आपके किसी परिजन का, आपके किसी मित्र का जिस दिन जन्मदिवस हो, जिस दिन विवाह दिवस हो, जिस दिन और कोई शुभ कार्य हो, उस दिन कम से कम एक एक पौधा जरूर उनके नाम से लगाएं।
तो फिर देखना कैसे हरियाली खड़ी होती है इस देश में, और हम लोग दुनिया में फिर पूजित होंगे जैसे पहले होते थे, जब हम प्रकृति से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, प्रकृति को जानते समझते थे हमारे पूर्वज, तो हम पूरी दुनिया में पूजित थे, विश्वगुरु कहा जाता था हमें, इसीलिए कहा जाता था। यदि आप लोग आज से प्रयास करेंगे तो फिर होगा। ये तो हुई पर्यावरण की बात, लेकिन एक स्वार्थ और है मेरा। इस देश की भावी पीढ़ी बैठी है, 2-3 मिनट में मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूं, और गिफ्ट ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे भाषण की तरह नहीं, मुझसे जुड़ करके सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक रिसर्च हुई है, रिसर्च किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, सोशल रिसर्च है। रिसर्च का नतीजा ये आया कि पूरी दुनिया में 96% लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं, 96% दुनिया में। केवल 4% लोग हैं जो इंसान की तरह पैदा होते हैं, इंसान की तरह जीते हैं और कभी मरते नहीं हैं, जो इतिहास में अमर हो जाते हैं, किताबों में अमर हो जाते हैं, कहानियों में अमर हो जाते हैं, किस्सों में अमर हो जाते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। हम बात लेनिन की करें, अब्राहम लिंकन की करें, महात्मा गांधी की करें, भगत सिंह की करें, या आपकी पीढ़ी के शाहरुख खान की कर लें, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, साइंटिफिक बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आप लोग तो गूगल गुरु के शिष्य हो, उनके जमाने में जी रहे हो, आप लोगों को सब पता रहता है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं। रिसर्च ये कहती है कि 96% लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, पेट पालन करने के लिए कुछ उसको पढ़ाई लिखाई कराई गई, फिर नौकरी करी उसने पेट पालन करने के लिए, फिर उसका विवाह हुआ, उसने बच्चे पैदा किए, बूढ़ा हुआ और मर गया। यही सेम प्रक्रिया नाली में टहलता हुआ कीड़ा भी कर रहा है, पैदा होता है, पेट पालन करता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, सेम प्रक्रिया। इस पर मैं एक दिन इंडियन न्यूज़पेपर ऑफ सोसाइटी INS में बात कर रहा था, वहाँ एक सज्जन खड़े हुए, बोले आप तो मानवता की तोहिन कर रहे हैं, मानव को आप कीड़ा मकोड़ा बता रहे हैं। कीड़े मकोड़े में और जानवर में और पशु पक्षी में दिमाग नहीं होता है। हमने कहा मान्यवर, नेवला इस दुनिया का सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट है। नेवला ऐसा अकेला आर्किटेक्ट है जो ऐसा घर बनाना जानता है कि उसमें हर प्राणी प्रवेश कर सकता है लेकिन सांप प्रवेश नहीं कर सकता। हमने कहा बैया, यदि आपने देखी हो, उसका बनाया हुआ घोंसला कोई साधारण इंसान नहीं बना सकता वैसा घोंसला। खैर, उस तरह के उदाहरण मैंने दिए और उन्होंने माना। मैं आप लोगों से निवेदन करने ये चाहता हूं कि ये जो 4% हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, आपको वो बनना है, आपको 4% में आना है। और 4% में कैसे आ सकते हैं, ये गिफ्ट मैं आज आपको दे करके जाना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी यदि आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उनका जीवन पढ़ेंगे, तो उनमें कॉमन बात मिलेगी जो बहुत बारीक है, लोग देख नहीं पाते हैं। मैंने पढ़ा है, और एक दो नहीं, कई हजार महान लोगों को पढ़ा है, तब ये दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया के हर महान व्यक्ति के अंदर ये कॉमन फैक्टर है कि उसके बचपन में अधिक से अधिक जवानी आते आते उसके जीवन का टारगेट फिक्स हो जाता है, उसके जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। लक्ष्य भी कैसा, रोड मैप नहीं, अंतिम लक्ष्य, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, मायने कुछ भी, एक पिन पॉइंट टारगेट वो बचपन से लेकर के जवानी तक फिक्स कर लेता है। मैंने अभी अब्राहम लिंकन का जिक्र किया आपसे। अब्राहम लिंकन, आपको मालूम है, सब लोग पढ़ते होंगे,
एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, एक माली के बेटे थे, उनके घर में बड़ी मुश्किल से एक बार का भोजन बन पाता था, पड़ोसी के कपड़े पहन करके वो विद्यालय जाते थे। लेकिन जब वो कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, एक दिन उनके अध्यापक उनसे क्लास में पूछ रहे थे बच्चों से, बड़े होके तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं पत्रकार बनूंगा, कुछ भी, किसी ने कहा मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। अब्राहम लिंकन सबसे पीछे बैठे थे, उनका जैसे ही नंबर आया उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। ये टारगेट 17 बार चुनाव हारे अपने जीवन में, और इरादा पक्का हुआ, और पक्का हुआ, और पक्का हुआ, अल्टीमेटली सीनेटर बने और चुनाव जीते, और इस देश के सफलतम, दुनिया के सफलतम राष्ट्रपतियों में से आज उनकी गिनती होती है। इंदिरा नूई, मैं लड़कियों से, महिलाओं से खासतौर से कहना चाहता हूँ, इंदिरा नूई को पढ़िए। आप सब लोग जानते होंगे अभी अभी पेप्सी को कंपनी के CEO और MD पद से वो रिजाइन किए हैं। दुनिया की सर्वाधिक सैलरी पेड महिला इंदिरा नूई, और कौन है इंदिरा नूई? इंदिरा नूई एक ऐसे इंटीरियर के गांव में पैदा हुई जहां उनके पढ़ने तक, उनके बड़े होने तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन इंदिरा नूई ने कक्षा 5 में तय कर लिया था कि एक दिन मुझे बड़ा होकर के दुनिया की सर्वाधिक सैलरी पेड महिला बनना है। बनी। लक्ष्य, टारगेट, पिन पॉइंट कार्यक्रम यदि आपके जीवन में निर्धारित हो जाए, जैसे आप लोग की पीढ़ी एक कार्यक्रम बहुत तय करती है, मुझे तो इस गर्लफ्रेंड से मिलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो इस बॉयफ्रेंड को प्राप्त करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, जो जिद उस तरह के रिश्तों के लिए तुम्हारे जहन में, तुम्हारी रूह में घुसी है, वैसी जिद और वैसा जुनून जिस दिन अपने लक्ष्य के प्रति पैदा कर लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़ा बिजनेसमैन बनने से रोक नहीं सकती। तो ये गिफ्ट है आप सब बच्चों को, आप सब युवक युवतियों को, कि आज से ये कसम खानी है, और किसी वक्त एकांत में, अकेले में बैठ करके ध्यान से सोचना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे ये बनना है, और बस उसकी तरफ बढ़ते जाना है। अल्टीमेट टारगेट ऑफ लाइफ ये तय कर लीजिए। दुनिया का कोई बुरी से बुरी विपत्ति, बुरी से बुरा कष्ट, बुरी से बुरी परिस्थिति आपको वो बनने से रोक नहीं सकती। आज इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को संपन्न करूंगा, और कुछ यूं कहूंगा कि गुल और गुल से बना गुलिस्ता, गुलिस्ता से बना ये चमन जो इस कमरे में बैठा है, गुलिस्ता से बना ये चमन, बस तमन्ना ये है कि यूं ही महकता रहे ये चमन। धन्यवाद। वो आए और मिस्टर R.B. रघुवंशी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप राजेश जी, राजेश जी प्रथम, दो राजेश है भाई कैंपस के अंदर, और ये हमारे कैंपस के अंदर सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित माली, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। ये भाई सीताराम जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। असली पर्यावरण योद्धा सम्मानित करते हुए आदरणीय रघुवंशी भाई साहब, बहुत बहुत बहेदरी है भाई साहब का, धन्यवाद। देवेंद्र भाई, आदरणीय रघुवंशी जी भाई, कितने गौरवान्वित क्षण ये सब सम्मान पाने वालों के लिए। देव जी सम्मानित करते हुए सीताराम जी का, ये दोनों बच्चे हमारे द्वारा लगाए गए 40 पौधों को पानी देने का काम करते हैं भाई, एक बार खड़े हो गए, इन बच्चों का भी स्वागत करना चाहूंगा भाई साहब। शिवांशु बच्चे को और शिवम बच्चे को दिया, और बेटा मैं, मेरा निवेदन है कि सभी जल्दी जल्दी आए, क्योंकि सर जल्दी में है, जल्दी प्रोग्राम को समापन करता है, करना है। आदरणीय सक्सेना जी, जोरदार तालियां, खड़े हो गए स्वागत करेंगे बच्चे। चौधरी जी,
इतना समय यहाँ पर दिया है, इसके बारे में मैं वोट ऑफ थैंक्स दूंगा। उससे पहले जो है हम लोग एक शपथ जो है यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिस शपथ का नाम है स्वच्छ भारत, हरित शपथ। एक बार सब खड़े हो जाएंगे। उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसी आदतें अपनाऊंगा जिससे संसाधनों की कम से कम बर्बादी हो। मैं जो उपयोग कर चुका हूं उसका पुनः उपयोग करूंगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग और कपड़े के बैग का इस्तेमाल करूंगा। मैं पर्यावरण की सफाई का ध्यान रखूंगा। मैं कम से कम कचरा करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा। मैं ऊर्जा और पानी का संरक्षण करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली। थैंक यू। जिनकी सहायता से ही यह कार्य संभव हो सका है, मैं सभी पर्यावरण योद्धाओं को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम की सार्थकता को बनाए रखा है। मैं स्पेशल थैंक्स डॉक्टर मलिक सर को देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ वही हैं, उन्हीं की प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही यह सब संभव हो सका है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि इस पर्यावरण दिवस का थीम है ओनली वन अर्थ।
भाई मैं इस हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से ये निवेदन करता हूँ आज के दिन कि आप सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। खास तौर से इस देश के अंदर जो नेता है, भले ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, वो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, इस देश के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप पर्यावरण की बात करें, राजनीति के अंदर जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, मैं तो अलग अलग मंचों से बोलता हूँ। आज देश के अंदर सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बचा, और देश के नेता कह रहे कि भाई हम इस देश को विषगुरु बना देंगे। अरे ये देश विषगुरु कैसे बनेगा? ये देश विषगुरु बनेगा जब इस देश में पर्यावरण की रक्षा होगी। एक डॉक्टर कुलदीप मलिक से कुछ काम नहीं चलेगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ भी कुछ लोग जुड़ रहे, उनसे भी कुछ काम नहीं चलेगा। आपको हर क्षेत्र में आपको जो है डॉक्टर कुलदीप मलिक को पैदा करना पड़ेगा, उसकी टीम को पैदा करना पड़ेगा। रही बात लोगों की, मैं खुद बताता हूं कि अगर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक 1000 बरगद नीम पीपल के पेड़ ग्रेटर नोएडा के अंदर अपने कैंपस और आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं, क्यों भाई दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? केवल और केवल आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और पर्यावरण के प्रति आप जागरूक होना चाहिए। बस मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है कि सब पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक हो। अल्टीमेटली पर्यावरण बचेगा तो हम बचेगा, और पर्यावरण के अंदर भी आपको जल, जंगल और जमीन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा, जल, जंगल और जमीन को बचाना पड़ेगा, तभी यह देश बचेगा, तभी विश्व बचेगा और तभी विश्व का कल्याण होगा। भाई देखिए, जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, मीडिया कर्मियों का सवाल है, मेरे तो जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आपका मुझे भरपूर सहयोग मिलता है, और मैं हर तरह की गहराई से सभी मीडिया कर्मियों का, खास तौर से चेतना मंच का आभारी हूँ। आज के प्रोग्राम को भी आपने कवर किया, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक तो केवल इसी सभागार के अंदर अपना प्रोग्राम करा सकता है, लेकिन इस सभागार से जो बाहर प्रोग्राम को ले जाने का काम है, अल्टीमेटली ये तो मीडिया का काम है। रही मीडिया की बात, थोड़ा सा मैं मीडिया के बारे में भी, मीडिया से भी ये निवेदन करता हूँ, भाई आप देश के अंदर असली मुद्दों पर भी चर्चा करो, मीडिया के अंदर भी आप जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, मंदिर की, मस्जिद की बात तो करते हो, और इनकी बात होनी भी चाहिए। देश के अंदर धर्म भी बचना चाहिए, धर्म भी प्रायोरिटी पर है, लेकिन मैं सभी लोगों से ये पूछता हूँ कि तुम धर्म बचा लो और इस देश के पर्यावरण को ना बचाओ, इस देश की हवा को ना बचाओ, इस देश में पानी को ना बचाओ, क्यों भाई उस धर्म का ही कहाँ हो, क्या होगा? कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, और मीडिया के लोगों के ऊपर, मीडिया के लोग भी मीडिया के अंदर पर्यावरण के ऊपर बहस चलाए, स्वास्थ्य के ऊपर बहस चलाए, इस देश के अंदर बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था के लिए बहस चलाए, और इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहस चलाए। इस शुभ अवसर पर मैं सभी मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ। जैसा कि विदित है कि आज जहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोगों ने जो है सेलिब्रेट करा है, बहुत सारे छात्र छात्राएं जिनका जो है पहले से प्रयास रहा है वृक्षारोपण करने का और प्लास्टिक का यूज कम करने का, उन लोगों की कोशिश है कि वो इस पृथ्वी पे बिल्कुल भी जो है ऑक्सीजन की कमी ना होने दें। मैं चाहता हूं कि हम सब ने जो आज शपथ ली है उसका हम मन, कर्म और वचन से पालन करें, और सब अपने अपने घर में एक इंडोर और कम से कम एक आउटडोर पौधे का आज वृक्षारोपण इस उपलक्ष्य में अवश्य करें, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी कभी जो है ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। जैसा कि सर ने बताया था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी पड़ रही थी, लोगों को जो है पैसा देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके की जो आपदा है, जो आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने का सिर्फ एक ही समाधान हमारे सामने है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का यूज कम करें और अपनी धरती का संरक्षण करें। धरती है तो हम हैं, और धरती ही हमारी माँ है, माँ की रक्षा करना हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। जी, तो आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण दिवस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें पॉल्यूशन कम करनी है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, और हमें ग्लोबल वार्मिंग पर काम करना है। अच्छा, सेम सवाल आपसे। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो स्वच्छ रहे, और हमें ऑक्सीजन की फिर आने वाले समय में कभी दिक्कत ना हो, जैसे कि हमने 3 साल पहले देखा। अच्छा, तो कॉलेज के साथ मिलकर आप ये कब से काम कर रहे हैं? हम कॉलेज के साथ मिलके कम से कम 2 से 3 महीने पहले से ये काम कर रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलके एक एक पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें एक गिफ्ट की जगह हम हर किसी को एक एक पेड़ लगाने को कहें और एक पेड़ गिफ्ट करें, जिससे कि वो उसको लगाएं और हम अपने पर्यावरण को अच्छा बना सकें। आज बस इतना ही। अपनों का और अपना खूब ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आनंद में रहिएगा, अपने पर्यावरण को बचाते रहिएगा। आप सब लोगों के भीतर
बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।